आखिर तुम और खाला किस बात का इंतजार कर रहे हो कि वो शबरेस तुम्हें आके गोली मारकर चला जाए? कितनी इंसल्ट करवाओगे उसके हाथों अब? और छोड़ क्यों नहीं रहे हो मेहर को? आखिर किस बात ने तुम्हें रोका हुआ है? छोड़ दूंगा मैं, बस तुम मुझसे नाराज मत हो। जब फैसला नहीं कर सकते तो तुम्हें मेरी नाराजगी की फिक्र भी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे तुम्हारी नाराजगी की परवाह है, और यकीन मानो मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं पसंद। शक्ल ना पसंद है, शादी नहीं करना चाहते, लेकिन तलाक देते हुए जान जा रही है तुम्हारी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, दे दूंगा तलाक भी। क्या कोई काम था? नहीं, कोई काम तो नहीं था, मैं वैसे ही कमरे में आई थी। ये महक क्या कर रही है तुम्हारे रूम में? शायद किसी काम से आई है। इस वक्त क्या काम हो सकता है? मुझे क्या पता। तुम उसके साथ रूम शेयर कर रहे हो? कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बारात वाले दिन से बाहर सो रहा हूँ। मैं नहीं मानती, आज मैंने आवाज सुन ली है तो झूठ बोल रहे हो तुम। तुम मुझ पे शक भी कैसे कर सकती हो? पूरी पूरी रात तो मैं तुमसे बात करता हूँ। मुझे नहीं पता, उसे यहाँ से जाने का कहो अभी इसी वक्त। ओके। यहाँ खड़ी भी मेरा मुंह क्या देख रही हो? बाहर जाके दफा हो जाओ। दिख नहीं रहा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? गई? हाँ गई। अगर अभी मैं तुमसे बात ना कर रही होती तो वो इसी रूम में होती है ना? इसीलिए तुम तलाक नहीं दे पा रहे ना उसे? सब समझ रही हूँ मैं, सब कुछ। जारक, रोज रोज हमें जलील करके तमाशा बनाने से बेहतर है हमें एक ही मर्तबा जान से मार दो, मार दो हमें जान से। जीते जी तो तुमने हमें मार ही दिया है, जान से भी मार दो। मैं ही ढीठ हूं जो इतनी जिल्लत उठाने के बावजूद अभी तक जिंदा हूं।